أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم viewers السلام عليكم welcome to FSL Academy of Shipping and Logistics. FSL Academy of Shipping and Logistics आपको ऑफर कर रहा है फ्री ऑनलाइन कोर्स ऑफ शिपिंग एंड लॉजिस्टिक. सो व्यूअर्स, आज हम स्टडी करने जा रहे हैं लेक्चर नंबर 9, LCL शिपिंग. लास्ट लेक्चर्स में हमने स्टडी की थी कि FCL शिपिंग क्या होती है. FCL स्टैंड्स फॉर फुल कंटेनर लोडर. जब आप कंप्लीट कंटेनर्स को मूव करते हैं, वन कंटेनर और मोर देन वन कंटेनर की लॉट होती है, तो उसको हम FCL शिपिंग कहते हैं. लेकिन अगर किसी कस्टमर का ऑर्डर छोटा ऑर्डर है, फॉर एग्जांपल उसने कुछ 1000 kg का कोई मटेरियल मंगवाया, वो कोई सैंपल हो सकता है, वो कोई मशीनरी का पार्ट हो सकता है, तो इस केसेस में अब वो छोटे से कार्गो के लिए एक कंप्लीट कंटेनर बुक नहीं कर पा सकता. तो वो क्या करेगा, वो इस कंटेनर को एज अ LCL शिपमेंट मूव कराएगा. अब चलें शुरू करते हैं कि LCL शिपमेंट होती क्या है. सो व्यूअर्स, अगर आपने अभी तक हमारे पिछले 7 लेक्चर्स 8 लेक्चर्स नहीं देखे, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि पहले आप पिछले वाले लेक्चर स्टडी कर लें, तभी आपको इस लेक्चर की प्रॉपर अच्छी तरह समझ आ सकती है. सारे जितने भी हमारे लेक्चर्स हैं उनके लिंक्स हमारे डिस्क्रिप्शन में गिवन है, लेक्चर नंबर 1 से लेकर एंड तक. सो व्यूअर्स, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल लाइक नहीं किया, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारा चैनल आप लाइक करें, अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ शेयर करें, ताकि इससे ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठा सकें. इस चैनल को काइंडली सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल का बटन प्रेस कर दीजिएगा, ताकि हमारी आने वाली वीडियोज़ को आप देख सकें. सो व्यूअर्स, ऑफिशियली शुरू करते हैं लेक्चर. व्हाट इज़ LCL इन शिपिंग? LCL स्टैंड्स फॉर लीज कंटेनर आर लेस देन कंटेनर लोडर. ऐसा कार्गो जो कि एक कंटेनर से कम का हो, उसको LCL शिपमेंट कहते हैं. सब इम्पोर्टर्स ऑर्डर कार्गो हैविंग लेस देन कंटेनर्स, फॉर एग्जांपल 5 CBM, 8 CBM और 1 और 2 CBM, कुछ भी हो सकता है. अगर कंटेनर का वॉल्यूम कम है कार्गो का, तो उसको आप हाँ LCL शिपमेंट्स के थ्रू मूव करा सकते हैं. वैसे तो LCL बास कंपनीज आपसे ओपन कार्गो भी एक्सेप्ट कर लेती हैं आपके कार्टन्स, लेकिन जो स्टैंडर्ड एक इंटरनेशनल रूल है, वो है कि आपका जो कार्गो होगा वो पैलेटाइज्ड होगा. एक लकड़ी का, वुड का एक पैलेट्स होता है, उसके ऊपर ये कार्गो आपको स्टफ करना पड़ता है, लोड करना पड़ता है, एक पैलेट्स बनाने पड़ते हैं आपको. जब आपका पैलेटाइज्ड हो जाता है, तो होगा क्या कि शिपिंग कंसोलिडेटर्स होते हैं, शिपिंग को लोडर कंपनीज होती हैं, जिस तरह शिपिंग लाइंस होती हैं, इस तरह LCL के को लोडर्स होते हैं, कंसोलिडेटर्स. उनका काम ही यही होता है कि वो पूरे मुल्क से LCL कार्गो को कंबाइन करके एक कंटेनर में लोड करके एक BL के अगेंस्ट उसे मूव कराते हैं, और हर पार्टी को अपना उसके अगेंस्ट अपने अपने कार्गो का BL इशू कर देते हैं. तो ये कंसोलिडेटर्स क्या करते हैं कि LCL कार्गो आपसे बुक करते हैं. इसमें होता क्या प्रोसेस, ये होता है कि फर्स्ट ऑफ ऑल इन्होंने हर सिटीज़ में अपने ऑफिसेज बनाए होते हैं. ये हर ऑफिस से इनके सेल्स पर्सन इनके लिए कार्गो कलेक्ट करते हैं, और इसके बाद ये CFS यार्ड होते हैं कराची में, या जो भी पोर्ट होता है उसके करीब CFS यार्ड्स बने होते हैं, कंटेनर फ्रेट स्टेशंस. ठीक है, इन CFS यार्ड्स पे वो लूज कार्गो मूव होके पहुँचता है, और उसके बाद उसे एक कंटेनर में स्टफ कर दिया जाता है. जो कंसोलिडेटर होता है उनका वीकली एक कंटेनर जाता है, तो उसमें एक कंटेनर में अगर वो 420 फिट कंटेनर है, तो 30 CBM का उनके पास तकरीबन कैपेसिटी होती है, वो उसको 30 CBM का माल उसमें डाल सकते हैं. और अगर ये 40 फिट कंटेनर होगा, तो उनके पास 40 फिट की कैपेसिटी होगी, वो 40 फिट कंटेनर्स के लिए माल एक्सेप्ट करेंगे. तो इस तरह सारे कंट्री से माल आके इनके जो पोर्ट होती है CFS यार्ड पे वो आ जाता है, और इस तरह वो कंटेनर एक कंटेनर शिपिंग लाइन से रिक्वेस्ट करते हैं को लोडर, और उसके अगेंस्ट वो उस सारा कार्गो उसमें लोड करके, और उसके बाद वो शिपिंग लाइन को हैंड ओवर कर देते हैं. अब होता क्या है कि इसने आपसे कार्गो ले लिया, एक कंटेनर फिल कर दिया, मास्टर BL इनका अपना हो गया कंसोलिडेटर का, और हाउस BL इनने, फॉर एग्जांपल अगर 10 बंदों का कार्गो इस कंटेनर में मूव हो रहा है, तो वो 10 बंदों को अपना हाउस BL इशू कर देंगे कि भाई ठीक है, आपका 5 CBM का माल है, आपका 3 CBM का माल है, इसका 6 CBM का माल है. आपने जो जो भी शिपर्स होंगे, उनने अपने अपने BL लेके अपने कंसाइनीज को भेज देने, या बैंक के थ्रू भेजेंगे, वो जो भी अगर बैंक नहीं इन्वॉल्व, तो वो डायरेक्ट कंसाइनी को भेज देंगे. अब होगा क्या कि डेस्टिनेशन एजेंट उनको होते हैं,
तो ये कंटेनर जब ये डेस्टिनेशन पे पहुंचेगा तो इनका ओवरसीज एजेंट वहाँ पे इस कंटेनर को शिपिंग लाइन से रिलीज करेगा और अपने वहाँ पे सी वाई मतलब कंसाइनर यार्ड टू सी एफ एस कंटेनर फ्रेट स्टेशन यार्ड पे ले आएगा। जब वो वहाँ पे यार्ड ले आएगा तो वहाँ पे इसको डीकंसोलिडेट करेगा इस कंटेनर को और उसमें से शिपमेंट्स को अलग अलग करेगा, क्योंकि उसके पास सारे मैनिफेस्ट गया होता है, उसके पास पता होता है उसे और किस किस कंसाइनी का कितना कितना माल है, तो अकॉर्डिंगली उस सब माल को अलहदा करेगा और फिर हर कंसाइनी जाएगा और उस अपना अपना कार्गो को क्लियर करा के कस्टम क्लियरेंस चार्जेस ड्यूटीज टैक्सेस पे करके वहाँ से आउट करा लेगा। अच्छा, अब क्वेश्चन ये रेज होता है कि फिर जब फुल कंटेनर होता है फिर तो वो हम फुल कंटेनर का एक लमसम फेयर होता है, फॉर एग्जांपल 600 पर कंटेनर हम पे कर देते हैं। एल सी एल में फ्रेट क्या होगा? तो जनाब एल सी एल में आपसे पर सी बी एम के लिहाज से फ्रेट चार्ज किया जाता है। अगर आपका 5 CBM का कार्गो है और जो आपको ऑफर्ड फ्रेट दिया गया था वो $10 पर CBM था, कराची से फॉर एग्जांपल शंघाई तक का फ्रेट है, तो आपको $50 पे करने होंगे फ्रेट, और इसके अलावा कुछ लोकल चार्जेस होते हैं ओरिजिन पे भी और डेस्टिनेशन पे भी। ओरिजिन के चार्जेस शिपर को पे करने पड़ेंगे और डेस्टिनेशन के चार्जेस कंसाइनी को पे करने पड़ेंगे। अब एक क्वेश्चन मेन रेज होता है कि चार्जेबल वॉल्यूम क्या है? एल सी एल शिपमेंट में एक आपको होता है कार्गो का वॉल्यूम। मिसाल के तौर पर आपने कार्गो बनाया और आपने उसकी डायमेंशन चेक की, आपने देखा कि मेरा कार्गो 3 CBM का है, आप कंसोलिडेटर को कहते हो मेरा 3 CBM का कार्गो है, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि वो आपसे 3 CBM के 4 पैसे ही चार्ज करेंगे। अगर आपका जो कार्गो है वो कंटेनर में ज़्यादा स्पेस ऑक्यूपाइड करता है तो वो आपसे ज़्यादा पैसे चार्ज करेंगे। मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ कि अगर आपका कार्गो स्टेकेबल कार्गो है तो इजीली आप उस कार्गो के ऊपर किसी और का कार्गो रख सकते हैं। आपका पैलेट पड़ा हुआ है, वो एक्स वाई जी का पैलेट उठा के आपके पैलेट के ऊपर रख देता है। फॉर एग्जाम्पल बैरिंग है, बियरिंग बैरिंग आपके जा रहे हैं, तो बैरिंग्स एक ऐसी कमोडिटी अगर उसके ऊपर वो कोई और पैलेट रख भी दें तो उसको कोई नुकसान नहीं पहुंच सकता, तो वो आपसे सिर्फ वही चार्ज करेंगे जो आपका एक्चुअल वॉल्यूम है पैलेट का। लेकिन आपकी कोई ऐसी कमोडिटी है, मिसाल के तौर पर आप एक इलेक्ट्रिक लाइट्स भेज रहे हैं, ट्यूब लाइट्स के रॉड्स हैं फॉर एग्जाम्पल, या कोई ऐसा मटेरियल है, वेजिटेबल्स हैं, एनीथिंग जो कि सेंसिटिव आइटम्स है, और उसके ऊपर आप कोई और चीज़ स्टेक नहीं कर सकते, उसके ऊपर किसी और का चीज़ का कार्गो नहीं रख सकते, तो इस वक्त कंसोलिडेटर आपसे आपका एक्चुअल वॉल्यूम नहीं चार्ज करेगा बल्कि आपका चार्जेबल वॉल्यूम बढ़ जाएगा। अगर 5 CBM का आपका कार्गो है और ऊपर 3 CBM की स्पेस उसने एक्स्ट्रा कंटेनर में ली हुई है तो शिपिंग लाइन आपको कहेगी भाई आपके कार्गो के ऊपर हमने कोई और कार्गो नहीं रखा क्योंकि आपका कार्गो सेंसिटिव था, जिसकी वजह से हमारे कंटेनर में 3 CBM की स्पेस ब्लैंक जा रही है, खाली जा रही है, तो हम आपसे 5 CBM की जगह 8 CBM के पैसे चार्ज करेंगे। ये एक स्टैंडर्ड फार्मूला होता है जिसके थ्रू ये चार्ज करते हैं। अब क्वेश्चन रेज होता है कि हाउ टू कैलकुलेट द कार्गो वॉल्यूम, कि आपने एक शिपमेंट भिजवानी है, आपके पास एक शिपमेंट आई है, तो आप उसका वॉल्यूम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? तो वॉल्यूम कैलकुलेट करने के लिए स्टैंडर्ड फार्मूलाज अवेलेबल हैं। इफ़ द डायमेंशन इज इन सेंटीमीटर्स, अगर आपके पास जो भी वॉल्यूम आया है या किसी ने आपको क्यूरी सेंड की है और उसका वॉल्यूम सेंटीमीटर्स में है, तो आपने करना क्या है कि हर कार्टन की लेंथ विड्थ मल्टीप्लाई बाय हाइट को मल्टीप्लाई कर देना है। उसके बाद ये ज़रूरी नहीं कि एक ही जितनी विड्थ हो सकता है, एक कार्टन की लेंथ अलग हो, दूसरे की अलग हो, तीसरे की अलग हो, तो आपने हर एक की अलग अलग कैलकुलेट करनी है, ठीक है? फिर जो सेम कार्टन्स होंगे, ये जो फार्मूला है जस्ट फॉर द सेम कार्टन्स है, अगर आपके पास सेम कार्टन्स हैं तो उस सेम कार्टन्स के लिए आपने लेंथ विड्थ और हाइट नंबर ऑफ कार्टन्स उस सेम डायमेंशन के जितने भी कार्टन्स होंगे उसके साथ आपने ये डायमेंशंस की जो मल्टीप्लाई थे इसको मल्टीप्लाई करके डिवाइड बाय 1 मिलियन। तो जब आप 1 मिलियन पे डिवाइड करेंगे, या आपको एग्जांपल दिया है कि अगर 100 सेंटीमीटर्स का लेंथ थी, 80 उसकी विड्थ थी और 80 उसकी हाइट थी और 3 कार्टन्स थे, डिवाइडेड बाय हमने 1 मिलियन कर दिया, तो आपका कार्गो वॉल्यूम 1.92 CBM हो चुका है। तो जो कंसोलिडेटर होगा वो आपसे 1.92 CBM के पैसे चार्ज करेगा। सिमिलरली आप देखते हैं, अगर आप इसी में अगर आपके पास एक और कार्टन साइज़ है, यानी कि कुछ कमोडिटी एक साइज़ कार्टन में है, कुछ कमोडिटी आपके दूसरे साइज़ कार्टन में है या दूसरे पैलेट साइज़ में है, तो आपने सेकंड
कमोडिटी को भी ऐसे ही, सेकंड कार्टन्स को भी ऐसे ही, उनकी लेंथ विड्थ हाइट मल्टीप्लाई हुए उस टाइप्स के जितने कार्टन हैं उनको मल्टीप्लाई कर देना और 1 मिलियन पे डिवाइड कर देना। तो मिसाल के तौर पर आप वो करेंगे, उसका आपके पास 2 CBM कार्गो आ गया, तो आपने क्या कर देना, आपका टोटल वॉल्यूम कितना हो जाएगा, 1.92 प्लस 2 CBM इज इक्वल टू 3.92 आपका टोटल वॉल्यूम हो जाएगा। सेम इज़ द केस अगर आपके पास डायमेंशन इंचज़ में आई हैं, तो इंचज़ में आई हैं तो उसके वॉल्यूम को कैलकुलेट करने का फार्मूला बिल्कुल ऐसे ही है कि लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ मल्टीप्लाई बाय हाइट, ये जो आपके पास आ जाएगा ये आपके पास आएगी डायमेंशन इन इंचेस। अब इंचेस से सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने का जो स्टैंडर्ड फार्मूला है कि अगर आप 1 इंचेस इज इक्वल टू 2.54 सेंटीमीटर, तो हमने क्या किया, टोटल इंचेस हमारे पास जितने भी आए थे उसको हमने 2.54 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो अब आपका जितना भी वॉल्यूम था आपके पास बाई डिफॉल्ट सेंटीमीटर्स में आ चुका है। अब आपने इसको नंबर ऑफ कार्टन से मल्टीप्लाई कर देना है और डिवाइड बाय 1 मिलियन कर देना है, ये फार्मूला आप देख सकते हैं। तो इस लिहाज से अगर ये आप करते हैं, 100 लेंथ है, 80 विड्थ है, 80 हाइट है, 3 कंटेनर कार्टन हैं आपके पास, मल्टीप्लाई बाय 2.54 आपने कर दिया, मल्टीप्लाई बाय डिवाइडेड बाय मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ कार्टन करना है और उसको डिवाइडेड बाय 1 मिलियन करेंगे, तो 31.46 आपके पास इसका वॉल्यूम आ जाता है। ये आप देख सकते हैं, ये मैंने आपको स्टेकिंग दिखा दी कि कंटेनर में अगर आपका नॉन स्टेकेबल कार्गो होगा तो उसकी स्टेकिंग कैसी होगी। ये आप देख सकते हैं, ये वुड पैलेट्स हैं जिसके ऊपर इन लोगों ने कार्गो लोड किया हुआ है और ये तीन तीन पैलेट्स एक दूसरे के ऊपर रखे हुए हैं। ये उस केस में होगा अगर आपका कार्गो स्टेकेबल है, लेकिन अगर आपका कार्गो नॉन स्टेकेबल है तो वो जस्ट वन इसमें रखेंगे, वन पैलेट रखेंगे और उसके ऊपर आपका दूसरा पैलेट नहीं रखेंगे। स्टैंडर्ड वुडन पैलेट कितने होते हैं, इस पैलेट ये आपको मैंने पिक्चर दिखा दी है, इस तरह के पैलेट्स बने होते हैं वुड के जिसके ऊपर आप कार्गो लोड करते हैं और फिर उसकी लेमिनेशन कर लेते हैं या उसको स्ट्रिप्स के साथ बांध दिया जाता है प्रॉपरली कि वो कंटेनर में, अगर कंटेनर थोड़ा हिलता भी है मूव भी होता है तो वो डिस्टर्ब ना हो, उससे कार्गो फटे ना। स्टैंडर्ड साइज़ जो आपके पास होता है 48 × 40 सेंटीमीटर्स का पैलेट होता है। इसके अलावा 3-4 साइज़ और भी गिवन हैं, उसके लिहाज से पैलेट आपका वेरी भी कर सकता है, लेकिन इंटरनेशनल स्टैंडर्ड पैलेट आपका ये आपको गिवन है। सो यूवर्स, ये आप आज मैंने आपको LCL शिपिंग के बारे में बताया, अब इसकी प्रोसेस कैसे होता है वो इंशाल्लाह हम कल सीखेंगे, इसमें चार्जेस क्या इन्वॉल्व होते हैं वो हम नेक्स्ट लेक्चर में सीखेंगे। अगर अब तक आपको इसमें लेक्चर में कोई भी कन्फ्यूजन हो गई भी, तो डिस्क्रिप्शन में मेरा मोबाइल नंबर गिवन है, आप कमेंट कर सकते हैं और हमारे फेसबुक पेज को भी ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ से भी आपको क्वेश्चन के आंसर्स मिल सकते हैं आसानी से। सो यूवर्स, आज तक के लिए इतना ही, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के साथ हाजिर होंगे, तब के लिए अल्लाह हाफिज़।